नमस्कार। नवरात्र का समय चल रहा है और इस नवरात्रि में जहां मधुपुर के विभिन्न पूजा पंडाल माँ दुर्गा की आराधना पूजा अर्चना को लेकर के तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं मधुपुर के सामाजिक संगठनों के द्वारा एक मधुपुर दुर्गा पूजा समिति बनाई गई है और जिसके संयोजक हमारे साथ हैं कन्हैयालाल कन्नू जी। कन्हैयालाल कन्नू जी, दुर्गा पूजा समिति ही नहीं बल्कि मधुपुर के योर्स क्लब, जो कि एक प्रतिष्ठित क्लब है जो विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उसके भी सचिव हैं। कन्नू जी से बात करेंगे कि किस प्रकार से इस वर्ष के दुर्गा पूजा की जो तैयारियां चल रही है, जैसे सभी पूजा पंडाल के लोगों के लिए प्रशासन के द्वारा तो एक बार शांति समिति की बैठक कर ली जाती है, लेकिन शांति समिति की बैठक में जिन मुद्दों को पूजा पंडाल समिति के सदस्य उठाते हैं, क्या वो खाना पूर्ति के रूप में होती है या उन कामों पर भी ध्यान दिया जाता है? इस बार आप और विगत भी कई वर्षों से आप काम करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है जो समस्याएं आपके नजर में आई वो दूर हुई या कितना अभी तक काम हो चुका है? ऐसा है कि राम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस दुर्गा पूजा सेवा समिति जो मधुपुर की बनी है उसको विस्तार पूर्वक से जानने की जिज्ञासा आप में थी, इसके लिए आपको धन्यवाद। मधुपुर दुर्गा पूजा समिति की बैठक हमने मधुपुर के तमाम पूजा पंडाल के अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ बैठकर पिछली बार दो बार बैठक हमने की थी राम मंदिर के प्रांगण में, और एक बार सभी पूजा पंडाल के पुजारी आचार्य जितने भी थे उन लोगों के साथ बैठक करके विचार विमर्श किया और एक गाइडलाइन तैयार किया हम लोगों ने कि किस तरह से मधुपुर की पूजा व्यवस्था सुचारू रूप से चले और पूजा पंडाल में क्या दिक्कत है, क्या कमियां हैं, क्या आपको आवश्यकता है, इस संबंध में हमने विचार विमर्श किया। इसके लिए ग्रुप बनाया, इसमें माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब जो वर्तमान में नगर विकास मंत्री भी हैं उनका काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमको, और उनका निर्देश है कि मधुपुर के पूजा पंडालों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए यह सुनिश्चित हो। इसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से हमको जितनी शिकायतें आती है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर रोड टूटा हुआ है, यहाँ बिजली का तार झूला हुआ है, यहाँ गाछ की डाली बढ़ी हुई है, तो सारी समस्याओं को अधिकारी और पदाधिकारियों से मिलकर मैं हद तक कोशिश करता हूँ कि समस्या खत्म हो, और इसके लिए मैं माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ के तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी पूजा पंडाल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में तो कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जो है बहुत अच्छी पहल है, यहाँ की गंगा जमुनी जो संस्कृति है तहजीब को उन्होंने बचाए रखा है और बढ़ चढ़ कर करके यहाँ की जो दुर्गा पूजा किस प्रकार से अच्छे ढंग से मनाई जाए उसको लेकर के वो पहल कर रहे हैं। तो विभिन्न, मैं ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ लगातार विभिन्न पूजा पंडालों से लोग अपनी समस्याओं को आप तक रख रहे हैं, कहीं बिजली का तार से करंट आ जा रहा है, तो कहीं पुल के पास जो है नाला खराब है, कहीं कलवर्ट नहीं है, कहीं डस्ट नहीं है, तो इन सभी समस्याओं को आप भरसक प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में आपको प्रशासन का सहयोग कैसे मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जब ग्रुप बनाया हमने और मधुपुर शहरी क्षेत्र के जो तमाम पूजा पंडाल के सदस्यों को इस ग्रुप में जोड़ा, और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में इस तरह का ग्रुप कहीं भी होगा, यह झारखंड में पहला मधुपुर में ऐसा ग्रुप है जो समस्त पूजा पंडालों को आपस में मिलाकर कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और उसके बाद रही प्रशासन के सहयोग की, प्रशासन को अगर शिकायत मिलती है व्हाट्सएप के माध्यम से या मेरे फोन के माध्यम से तो प्रशासन के लोग काफी सजग रहते हैं और तुरंत उस पर एक्शन लेकर के कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। विद्युत विभाग हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे आपके मधुपुर थाना हो, चाहे अनुमंडल पुलिस प्रशासन हो या अनुमंडल प्रशासन हो, सभी सजग रूप से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अब तक जो समस्याएं आपके पास आई उसमें लगभग कितना प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और कितना बाकी है? अगर 100 समस्या आई है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95 समस्या खत्म कर दी गई है और जो 5 समस्या बची हुई है उसको भी आजकल में पूरा कर लिया जाएगा।
यानी साफ तौर पर मैं जो पहले की पूजा समितियां थी, जो शांति समिति की बैठक में जाते थे, कुछ लोग अपनी बातों को खुलकर रख पाते थे, कुछ नहीं भी रख पाते थे, उसके बाद भी कुछ समस्याओं को लेकर के वे चाहे नगर पालिका हो या फिर बिजली विभाग हो या अग्निशमन विभाग हो, इन सबों के पास वो खुलकर अधिकारियों के पास अपनी बात को नहीं रख पाते थे। कहीं ना कहीं एक हिचक होती थी और एक भय होता था प्रशासन का। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक जो ये दुर्गा पूजा समिति बनाई गई है और जिसके कोऑर्डिनेटर संयोजक कन्हैयालाल कन्नू जी हैं, इनके रहने से क्या है कि अगर उस ग्रुप में आप समस्याओं को डालते हैं तो इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई, आप जैसे डाले विद इन ए मिनट ये उसको देखते हैं और तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारी को उनसे बात करके उस काम को त्वरित गति से संपन्न कराते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पूजा पंडाल के लोग इससे बहुत ही संतुष्ट हैं और उनकी जो तैयारी है, पूजा की जो तैयारी है, वो अच्छे ढंग से हो रही है और साफ तौर पर में एक अच्छी पूजा मधुपुर में शांतिपूर्ण व सद्भावपूर्ण वातावरण में मनाने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा कि योर्स मधुपुर के द्वारा प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार भी दुर्गा पूजा सम्मान समारोह का आयोजन रानी चौक पर किया जाएगा। कमेटियों को, जो जितनी पूजा पंडाल है, सबको वहां पर हम लोग सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ इन दिनों गणेश पूजा का महत्व भी मधुपुर में काफी बढ़ गया है। गणेश पूजा कमेटी जो है अच्छा इस बार अपना प्रदर्शन की है, उन कमेटियों को भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और आज जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में आरपीएफ के लोग भी हैं, जीआरपी के लोग भी हैं, अग्निशमन सेवा के लोग भी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय भी है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी है, स्वास्थ्य विभाग से भी लोग हैं, नगर पालिका से भी लोग हैं, बिजली विभाग से भी लोग हैं, मतलब कुल मिलाकर सभी विभागों के लोग उस ग्रुप में हैं, जो उस ग्रुप पर एक मैसेज आते ही अपने अपने विभाग के लोग उसको समस्या को तुरंत ये करके और आदेश अपने निचले स्तर के पदाधिकारियों को आदेश देकर उस पर कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज मधुपुर में तमाम पूजा पंडालों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनकी जो शिकायत आती है, मैक्सिमम शिकायतों को दूर किया जाता है, और जो संभव नहीं है, जो नहीं हो पा रही है, तो उसका तो उपाय नहीं है, अगर जो होने लायक है उसको हम लोग तुरंत ये करवाते हैं। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल साफ तौर पर एक बात और आती है, कहीं ना कहीं इसको भी पटल पर रखना चाहिए कि आप जो योर्स के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, पूजा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक और कमेटी, विगत दो वर्षों से हम लोग भी देख रहे हैं कि एक और ऐसी कमेटी है जो कि वो योर्स के पैरेलल चलते हुए, अब वो कमेटी किस प्रकार की है, उनका संगठन क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप भी उसमें उस योर्स के प्रतियोगिता के माध्यम से आप भी एक प्रतियोगिता कराते हैं। अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आप भी प्राइज बांटे, तो आप योर्स के साथ ही उस चीज को बांट सकते हैं, आप अलग से उस चीज को ना करें। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि मधुपुर में इन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी एक अलग से भेदभाव, जो कि काफी बहुत लोगों को खराब भी लगता है और अजीब लगता है, हमें तो काफी अजीब लगता है। अगर आप इच्छुक हैं, आप भी उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं, आपके मन में भी है कोई अच्छा किया है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो आप योर्स के साथ मिले और योर्स के साथ आप उन्हें पुरस्कृत करें। क्या मानना है इस संबंध में आपका? सही बात है, लेकिन देखिए ऐसा है ना कि आजादी सबको है अपने अपने स्तर से करने के लिए। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप मत करिए, मेरे साथ आगे करिए। लोग की अपनी अपनी सोच है, अच्छा है। इस बहाने पूजा पंडाल को दोबारा डबल प्राइज मिलती है, पुरस्कृत होते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है। तो मेरी शुभकामना उस कमेटी को भी है जो इस तरह का कार्यक्रम करती है। मेरी पूरी शुभकामना है उस कमेटी को भी कि आप भी अच्छे ढंग से इसको संपन्न कराएं। योर्स तो कराती है, अच्छी बात है, योर्स के साथ साथ आप भी करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिजल्ट को लेकर के जब अंतर कलह होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। नहीं, देखिए कहीं भी जिसको फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज मिलेगा और जिसको नहीं मिलेगा, उसके मन में तो आएगा कि हमको मिलना चाहिए था। हर संस्था, हर पंडाल, हर समिति चाहती है कि हम फर्स्ट। वो अपना आकलन खुद करती है, क्योंकि वो उतनी मेहनत करते हैं उस पंडाल के पीछे, उस पूजा के प्रति, उस समिति में लोग जितने लोग रहते हैं, दिन रात मेहनत करके उस पूजा को अंजाम देते हैं।
तो उसकी भी इच्छा रहती है समिति के लोगों की, मेरा पंडाल मेरी पूजा फर्स्ट आए, लेकिन संभव नहीं है कि सबको प्रथम पुरस्कार दिया जाए। ऐसे तो सारी पूजा श्रेष्ठ है, सारे पंडाल श्रेष्ठ है, सारे विसर्जन श्रेष्ठ है, लेकिन कंपटीशन की भावना लाने से क्या होता है, इन दिनों मधुपुर में पूजा पंडालों में अश्लील गाने बंद हो गए, मदिरा का सेवन बंद हो गया, और लोग सिस्टम में काम करते हैं, सीसी कैमरा बहुत से पंडालों में लगने लगा है, महिला पुरुष की लाइन अलग लगने लगी है, तो बहुत से फायदे हुए हैं जोर्स के द्वारा करवाने से, बहुत सी पूजा पंडालों में लोग फायदे हुए हैं, ऐसा नहीं है, फायदा बहुत हुए हैं और आगे भी होंगे, और आगे किस ढंग से बेहतर ढंग से और किया जाए इसको, लोगों के सचेतन आएंगे हम लोग उस पर अमल करेंगे निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पहल और आपके आपकी पूरी टीम, योर्स की टीम, आपके खुद दुर्गा पूजा समिति के विभिन्न तमाम पूजा पंडालों के जो सदस्य हैं उन सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे ढंग से मधुपुर में पूजा दुर्गा पूजा मनाते हैं और एक अलग संदेश पूरे राज्य को देते हैं, शांति का, सद्भाव का और भाईचारगी का यह त्यौहार हम सभी मिलकर के माँ की आराधना 9 दिनों तक करेंगे और इसी प्रकार शांति और सद्भाव तरीके से इस पर्व को मनाएंगे, खुशी पूर्वक उल्लास पूर्वक आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।